हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार। मैं सुमन सिस्टर आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, चौंकिए मत, अचंभित ना होए, ये है मेरे हाथ में अपेंडिक्स की नस। हाँ जी, हर मनुष्य की बॉडी के अंदर एक पार्ट्स होता है अपेंडिक्स की नस। वैसे तो मैं आपको बता दूँ अपेंडिक्स की नस के बारे में कि इसका हमारे शरीर में कुछ मेन काम नहीं होता है और ये कुछ वर्क नहीं करती है। बस ये साइड में हमारी अपेंडिक्स की एक नस होती है बॉडी में, राइट साइड की तरफ, और इस अपेंडिक्स की नस को हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। अगर ये सूजन आ जाती है इसमें या फिर ये दर्द करने लगती है, दर्द करने के साथ में ये कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर दर्द की वजह से फट जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अपेंडिक्स की नस का ऑपरेशन आपने देखा होगा, कहीं लोग करवाते हैं और कहीं नहीं करवाते हैं। तो जहां हमें अपेंडिक्स की नस प्रॉब्लम देती है, पेन करती है, दर्द करती है, इसकी वजह से काफ़ी समय तक उल्टियां नहीं रुकती है, तो हमें जब डायग्नोस हो जाता है कि अपेंडिक्स की नस फूल चुकी है, दर्द कर रही है और काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसे हमें निकलवाना होता है। तो ये जो डब्बी है इसके अंदर अपेंडिक्स की नस है, और इसकी जांच भी होती है कि किस वजह से इस तरह से हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए, अपेंडिक्स की नस इस जगह होती है, राइट साइड के अंदर, बिल्कुल हमारा जो यूरेथ्रा होता है, यूरिन वाली जगह होती है, उसके थोड़ा सा ऊपर की साइड में होती है। और वैसे इसका बॉडी में कुछ काम नहीं होता है, मगर जब भी ये तकलीफ़ देती है तो इसे हमें हमारे बॉडी पार्ट से निकालना होता है, और इससे हमारी बॉडी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। मेरा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ।